और दोस्तों स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 11 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 11 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की PDF परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेज कर सकते हो। देखिए इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस रहेगी जून 2022 से लेकर मार्च 2023 तक की PDF की प्राइस आपको ओनली 49 रुपीज मिलेगी। अच्छा, जनवरी 2022 से लेकर मई 2022 की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जनवरी 2022 से लेकर मई 2022 तक की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जो 49 रुपीज की PDF परचेज करेगा तो उसको मार्च तक की PDF मिलेगी। ठीक है, मार्च अप्रैल तक की PDF मिलेगी। और अगर आप मंथली करंट अफेयर की PDF परचेज करना चाहते हो तो इसकी कॉस्ट रहेगी ओनली 9 रुपीज। ये जो पहले की PDF थी उसमें 400 पेज हुआ करते थे एक PDF में, अब एक PDF में मतलब 1 मंथ की PDF में आपको ओनली 40 पेजेस मिलेंगे। ठीक है, जून से लेकर मार्च तक जो भी PDF मिलेगी आपको, तो एक मंथ की PDF में आपको ओनली 40 पेजेस देखने के लिए मिलेंगे। चलिए सबसे पहले हमने जो करंट अफेयर थे उसका रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे मार्च की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस जिले की जनजाति महिला लहरी बाई को श्री अन्न बीज बैंक की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो इनका संबंध है डिंडोरी से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डिंडोरी। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के आदिवासी जिला डिंडोरी के रहने वाली आदिवासी महिला लहरी बाई को मिलेट्स एम्बेसडर घोषित किया है। और देखिए, इसके पहले यूनेस्को ने 2023 को ईयर ऑफ मिलेट भी घोषित किया था, और ये MPPSC 2021 में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि ईयर ऑफ मिलेट्स किस वर्ष को घोषित किया था, तो ये 2023 को। मिलेट को सुपर फूड भी कहा जाता है, सुपर फूड इसलिए क्योंकि ये पोषक तत्वों का खजाना है। अभी हमारा बजट आया था 1 फरवरी को, तो उस दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इसे श्री अन्न कहा और इसके उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। 10 से 14 फरवरी तक अटेर महोत्सव का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा, तो ये भिंड में किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अटेर महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो ये भिंड में किया जाएगा। कब से कब तक, ये 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक। 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास का विशाल और भव्य मंदिर कहां बनाया जाएगा, तो ये सागर में बनाया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संत रविदास जी का विशाल भव्य मंदिर कहां पर बनाया जाएगा, तो ये सागर में, कितने करोड़ रुपए की लागत से, तो ये 100 करोड़ रुपए की लागत से। और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की किस पिछड़ी जनजाति के लोगों की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री जुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, तो ये भारिया, सहारिया और बैगा तीनों की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त तीनों। तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश की भारिया, सहारिया और बैगा तीनों जनजाति के लोगों की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजातियां कौन कौन सी है, तो ये तीन जनजातियां है, भारिया, सहारिया और बैगा है। ठीक है, और देखिए बात करें हम यहाँ पर जनजाति की, तो हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति को वर्णित किया गया है, तो ये 342 में। हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 21.1% है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 21.1% है। यानी अगर हमारे मध्य प्रदेश में 1 लाख लोग रह रहे हैं तो उनमें से 21,000 लोग अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो धार स्टिक है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वाला सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, धार स्टिक है। मध्य प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट में, सबसे कम भिंड डिस्ट्रिक्ट में है। और सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त कुल जनजातियों की संख्या कितनी है, तो ये 43 है। और हमारे मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है, ये भील जनजाति की है, उसके बाद गोंड जनजाति की है और उसके बाद कुल जनजाति है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये 1995 में किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में 1995 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था। और देखिए 2003 में, ठीक है, 2003 में
कीर, मीना और पारदी को अनुसूचित जनजाति वर्ग से हटा दिया गया था। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में जनजातीय विकास प्राधिकरण की बात करें तो इसमें तीन जनजातियां आती है, कौन कौन सी, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति में भी आती है, सहारिया, बैगा और भारिया। ठीक है, सहारिया, बैगा और भारिया, तो ये हमारे मध्य प्रदेश का मैप है और इसमें आप जो रेड कलर से देख रहे हो वहां पर सहारिया जनजाति निवास करती है। ठीक है, जहां पर आप रेड कलर देख रहे हो यहाँ पर सहारिया जनजाति निवास करती है, और जहां पर आप ब्लू कलर देख रहे हो वहां पर बैगा जनजाति निवास करती है, और जो ग्रीन कलर है वहां पर भारे जनजाति निवास करती है। ठीक है, तो देखिए भारे जनजाति आपको सिर्फ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के पातालकोट में, और बैगा जनजाति की बात करें तो उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, ढिंडोरी, मंडला, बालाघाट, यहाँ पर बैगा जनजाति निवास करती है। और बात करें श्योपुर, मुरैना, भिंड, ठीक है, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी है ये, गुना, अशोकनगर, तो आपको सहरिया जनजाति मिलेगी। और भील जनजाति की बात करें तो झाबुआ और अलीराजपुर में आपको भील जनजाति देखने के लिए मिलेंगी। तो आज हम सिर्फ सहरिया जनजाति, बैगा जनजाति और भारे जनजाति के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सहरिया जनजाति की बात करें हम तो सहरिया जनजाति में विवाह पद्धति हिंदू प्रथा अनुसार की जाती है, और इनके प्रमुख देवता कौन है, तेजाजी, सीता माता और भैरव देव है। और प्रमुख नृत्य कौन कौन से इनके, लहंगी, रागिनी, दुलदुल घोड़ी है। और देखिए सहरिया सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है, इसलिए मध्य प्रदेश का जो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है ये सहरिया जनजाति का बाहुल्य जिला है, और इसको भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट को। घर या मोहल्ले को क्या कहते हैं, सहरोल कहते हैं, और सहरिया जनजाति के गाँव के मुखिया को क्या कहते हैं, कुतवाल कहते हैं। सहरिया जनजाति में लड़की के जन्म को शुभ माना जाता है। और बात करें हम यहाँ पर बैगा जनजाति की, ठीक है, तो बैगा जनजाति का विस्तार बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और अदर डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पर मैप में दिखाया गया है ब्लू कलर में। इनकी विवाह पद्धति को हम लमसेना कहते हैं, और इनकी उप जनजातियां कौन सी है, राम मैना, राय मैना, काठ मैना, नरोतिया, भरोतिया, ये इनकी उप जनजाति है बैगा जनजाति की। और इनके प्रमुख नृत्य कौन कौन से है, परधौनी, कर्मा, और देखिए कर्मा जो नृत्य है इनका बैगा जनजाति का है कर्मा नृत्य, इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। और देखिए बैगा जनजाति में जो झूम कृषि होती है उसको धाइया या बेबर कहते हैं। और द बैगा पुस्तक के लेखक कौन थे, बेरियन एल्विन थे। द बैगा पुस्तक के लेखक कौन थे, बेरियन एल्विन थे। और इनके गांव को जो है पूर्वा कहा जाता है, और इनके पंचायत का मुखिया कौन होता है, मुकद्दम होता है। ठीक है, और बैगा जनजाति के देवता कौन कौन होते हैं, ठाकुर देव, बूढ़ा देव, दुल्हा देव, ये बैगा जनजाति के देवता कहते हैं इनको। इनकी जनजाति में जो ठाकुर देव होते हैं उनको गांव या सृष्टि की रक्षा करने वाला देवता माना जाता है, और जो बूढ़ा देव होता है उनको पीढ़ियों की रक्षा करने वाला देवता माना जाता है, और दूल्हा देव को बीमारियों से रक्षा करने वाला देवता माना जाता है। ठीक, बात करें हम यहाँ पर भारिया जनजाति की, तो देखिए जो भारिया जनजाति है तो इनका विस्तार जो है मात्र छिंदवाड़ा जिले तक ही सीमित है। पातालकोट कहाँ पर है, तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है, लगभग 12 गांव में भारिया जनजाति निवास करती है। इनकी उप जनजाति कौन सी है, भूमिया है और भूईहरा है। और विवाह पद्धति की बात करें तो लमसेना और दूध लौटावा। ठीक है, भारिया जनजाति की विवाह पद्धति में लमसेना और दूध लौटावा है। और इनके प्रमुख देवता की बात करें तो भारिया जनजाति के प्रमुख देवता कौन कौन से है, एक तो बूढ़ा देव है और एक नांगदेव है। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये भी छिंदवाड़ा में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। ठीक है, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय जो कि ट्राइबल म्यूजियम है, ये छिंदवाड़ा में ही है। और पहले इसका नाम ट्राइबल म्यूजियम हुआ करता था, 1997 में इसका नाम बदलकर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया था। और इस संग्रहालय में भारिया जनजाति से संबंधित संपूर्ण विवरण देखने के लिए मिलेगा आपको। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत पूर्व में मंत्री परिषद ने स्वीकृत मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना में समाहित विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु स्वीकृत घटक मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम में संशोधन किए हैं, और अब इस योजना में मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम में बैगा जनजाति के साथ सहारिया और भारिया विशेष पिछड़ी जनजातियों को भी शामिल किया गया है। देखिए कैबिनेट की बैठक में और कुछ भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, इसमें शासकीय कर्मचारी अधिकारी की मृत्यु होने पर अब बेटों के अलावा विवाहित बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, और माफिया दबंगों से छुड़ाई गई शासकीय जमीन पर क्रॉस सब्सिडी पॉलिसी के अंतर्गत मकान बनाकर गरीबों को दिए जाएंगे, और स्टेट डेटा सेंटर को और तकनीकी रूप से विस्तार का निर्णय लिया गया है, पंप स्टोरेज हाइड्रो परियोजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में किया जाएगा, और जबलपुर हाईकोर्ट के परीक्षा सेल में
20 नए प्रद सृजन किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी यात्रा और पर्यटन प्रदर्शनी साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज स्ट्रीट 2023 के 30वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और देखिए इसमें हमारे मध्य प्रदेश का टूरिज्म विभाग भी पार्टिसिपेट कर रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के टूरिज्म मंत्री कौन है? सुश्री उषा ठाकुर। और अभी साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज स्ट्रीट 2023 के 30वें संस्करण का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ये हमारे देश के केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसका शुभारंभ किया है। तो देखिए 9 फरवरी 2023 को केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी यात्रा और पर्यटन प्रदर्शनी साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज स्ट्रीट 2023 के 30वें संस्करण का उद्घाटन किया है। और इसमें मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड भी भागीदारी कर रहा है। और इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 9 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में प्रसिद्ध साहित्यकार श्री गुण सागर जी का निधन हो गया है, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो टीकमगढ़ से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए ये है श्री गुण सागर जी, तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका जो जन्म है वो झांसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था इनका जन्म, लेकिन ये पिछले 45 सालों से टीकमगढ़ में रह रहे हैं, ठीक है। देखिए हाल ही में 7 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के निवासी प्रसिद्ध साहित्यकार श्री गुण सागर जी का निधन हो गया है। श्री गुण सागर जी का जन्म 17 अगस्त 1937 को उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था और ये पिछले 45 सालों से हमारे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में रह रहे हैं। हाल ही में देखिए इनको भारतीय राजा वीरसिंह जुदेव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये पुरस्कार कहाँ का है? ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो अभी हाल ही में हरियाणा के महामहिम राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी के द्वारा इनको प्रदान किया गया था। और कौन कौन से पुरस्कार इनको मिल चुके हैं? बुंदेली पुरस्कार, केशव पुरस्कार, बुंदेली बंधु अलंकार, बुंदेलू बागीस अलंकार, मनुश्री अलंकार, अंदिपनीश्री अलंकार, साहित्य वारिधि उपाधि से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, साहित्य मार्तंडी अलंकार, 2012 में इनको राष्ट्रीय शिक्षाविद सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल ड्रामा स्कूल यानी NSD की ओर से आयोजित भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये भोपाल में किया जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा किया जाएगा? तो नेशनल ड्रामा स्कूल के द्वारा किया जाएगा। और इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 16 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक किया जाएगा। और ये कौन सा संस्करण है? तो ये 22वां संस्करण है। तो देखिए नेशनल ड्रामा स्कूल की ओर से आयोजित 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन इस बार भोपाल में होने जा रहा है। और यह एक इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है जिसमें देश भर से रंगकर्म के क्षेत्र में सक्रिय संस्थाएं प्रस्तुतियां देगी। देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश से पद्मश्री पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये जोदैया बैग, डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर, रमेश परमार और शांति परमार, तीनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए बात करें हम यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में पद्मश्री पुरस्कार 2023 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो ये 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। कौन कौन है? जोधैया बैग है, डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर है, रमेश परमार और शांति परमार, चारों है। देखिए सबसे पहले जोधैया बैग की बात करें तो इनका संबंध है उमरिया डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, इनका संबंध उमरिया डिस्ट्रिक्ट से है और इनको कला के क्षेत्र में मिला है, कला के क्षेत्र में मिला है। और इनका संबंध किस जनजाति से है? तो बैगा जनजाति से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर की बात करें तो इनका संबंध किस जिले से है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है इनको पद्मश्री पुरस्कार 2023। और जोधैया बैग को देखिए 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बात करें रमेश परमार और शांति परमार की तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? झाबुआ से, ठीक है। और देखिए झाबुआ से ही जो भूरी बाई का संबंध भी झाबुआ से ही था, तो भूरी बाई को कब पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? भूरी बाई को। और भूरी बाई का संबंध भी कहाँ से था? तो ये झाबुआ से था। और भूरी बाई किस जनजाति से थी दोस्तों? तो ये भील जनजाति से थी। और देखिए दुर्गा बाई व्याम को भी 2022 का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना, इनको भी कला के क्षेत्र में मिला था दुर्गा बाई व्याम को। और दुर्गा बाई व्याम किस जनजाति से थी? तो दुर्गा बाई व्याम गोंड जनजाति से संबंधित थी। दोस्तों हम यहाँ पर पद्म पुरस्कार की बात करें तो हमारे देश में 3 पद्म पुरस्कार है, कौन कौन से? तो एक तो पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है और उसके बाद पद्मश्री है, ठीक है। 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। देखिए हमारे देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। हमारे देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो ये पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण आता है तीसरा सबसे बड़ा,
और चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो ये पद्मश्री है। तो इस बार कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये 106 व्यक्तियों को, ठीक है। इसमें से 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और 91 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें से 4 हमारे मध्य प्रदेश के भी हैं। पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1954 में की गई थी। सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हमारे देश का भारत रत्न है और दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, पद्म विभूषण है, ठीक है। तीसरा पद्म भूषण है और चौथा कौन सा है, पद्मश्री है। तो पद्म विभूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, 6 व्यक्तियों को। कौन कौन है, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, ये इनको मरणोपरांत मिला है। बालकृष्ण दोषी, इनको भी मरणोपरांत मिला है। मुलायम सिंह यादव, इनको भी मरणोपरांत मिला है। उस्ताद जाकिर हुसैन, SM कृष्णा और श्रीनिवास वर्धन, तो ये 6 लोगों को पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के 4 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जोधैया बैग की, ठीक है। जोधैया बैग का संबंध किस जिले से है, उमरिया से है। और इनका संबंध किस जनजाति से है, तो इनका संबंध है बैगा जनजाति से, बैग से बैगा याद रखिएगा, ठीक है। और इनको किस क्षेत्र में मिला है, तो कला के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए दिया गया है। उमरिया जिले की 83 वर्षीय आदिवासी महिला जोधैया अम्मा को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। और जोधैया अम्मा ने जिले के लोड़ा में स्थित जनगण तस्वीर से आदिवासी कला की शुरुआत की और उनकी बनाई पेंटिंग विदेशों में भी प्रसिद्ध है। जोधैया अम्मा को पहले नारी शक्ति सम्मान 2021 से भी सम्मानित किया जा चुका है। और देखिए, रमेश परमार और शांति परमार को संयुक्त रूप से पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है, तो झाबुआ जिले से है। और इनको कला के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए दिया गया है। तो देखिए, झाबुआ के रमेश परमार और शांति परमार को कला के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए पद्मश्री सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। और ये गुड़िया बनाते हैं जो विश्वभर में प्रसिद्ध है। डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर को भी पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है, तो जबलपुर से है। और इनको किस क्षेत्र में मिला है, तो मेडिसिन में मिला है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाले डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर को मेडिसिन के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है। और वह मेडिसिन विशेषज्ञ है और जबलपुर में फिलहाल प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर की OPD में ट्रीटमेंट की फीस मात्र 20 रुपए है। देखिए, पद्मश्री पुरस्कार 2022 एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। भोपाल के डॉक्टर NP मिश्रा को मिला था, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। इन्होंने देखिए भोपाल गैस त्रासदी के समय अपनी सूझबूझ से सैकड़ों पीड़ितों की जान बचाई थी। और मंडला के अर्जुन सिंह ध्रुवे जी को भी मिला था, इनको आदिवासी नृत्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए दिया गया था। इनका संबंध किस जनजाति से है, तो बैगा जनजाति से है। छतरपुर के अवध किशोर जाड़िया को भी मिला था साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। और सागर के राम साहेब पांडे जी को भी दिया गया था, इनको कला के क्षेत्र में मिला था। और मंडला की दुर्गाबाई व्याम को भी मिला था कला के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दुर्गाबाई व्याम का संबंध किस जनजाति से है, तो गोंड जनजाति से है। देखिए दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, 16 से 17 जनवरी 2023 को G20 के अंतर्गत Think20 की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया, इंदौर, भोपाल, मांडू या खजुराहो। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली मैं आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको भी शेयर करता हूं। और इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्वीज भी होते हैं, मध्य प्रदेश GK से रहते हैं, कंप्यूटर से भी इस पर क्वीज होते हैं। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।